चलिए मेरे दोस्त, आज शुरू करते हैं बिहार एसएससी का प्रथम स्नातक स्तर, ये जो चल रहा है 2011 का भाग टू है, और कल जो है 2012 चलेगा, 2011 का चल रहा है, 2012 का चलेगा, जल्द ही खत्म होगा क्योंकि एग्जाम धीरे धीरे कम होते गए हैं जो है प्रीवियस ईयर का जो कि क्वेश्चन बना है, और जल्द ही आपको एनसीईआरटी का जो 5000 क्वेश्चन दिया हुआ है आगे आप उसे देख लें, बहुत इजी टू हार्ड चल रहा है, झारखंड का भी दिया हुआ है और बिहार जीके वही चल रहा है, तो आप चाहें तो मेरे कंटेंट पे जीके जीएस के मामले में कोई भी चैलेंज कर सकता है क्योंकि आपका कंटेंट कोई खराब नहीं दिया हुआ है, आप खुद नॉलेजबल हैं, पढ़ के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे 2011 का भाग टू जो कि 11 में आया था एग्जाम पेपर। देखिए, दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? नवीनतम देश की अगर बात करें, दक्षिण सूडान जो है गणतंत्र है, तो दक्षिणी सूडान को गणतंत्र जो है, दक्षिणी सूडान गणतंत्र जो है दुनिया का नवीनतम देश माना जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक सम्राट महान, जो सम्राट अशोक महान जो है जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज्य किया, उसकी राजधानी का उस समय क्या नाम था? तो आप जानते हैं पाटलिपुत्र ही था, याद रखेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन घुमाता है, ये चीज को देखिएगा, क्वेश्चन एक ही रहता है। अब मान लीजिए क्या है, प्राचीन भारत से पढ़िएगा, प्राचीन भारत से ही पूछेगा, तो प्राचीन भारत में क्या कि हूबहू पूछेगा, प्राचीन भारत का समय बताइए, ऐसा तो नहीं पूछेगा, अशोक कब आया था ये तो नहीं पूछेगा, घुमाएगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स यही सबसे तो बनता है, बायोलॉजी से स्टैटिक जीके, तो क्वेश्चन को घुमाएगा, करेंट का मैं मानता हूँ कि नया नया बनता है तो नया पूछेगा, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी यही सब एसएसटी से कहाँ से पूछेगा, यही सबसे पूछेगा। तो देखिए, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक, सोचिए 40 वर्ष तक शासन किया, यही क्वेश्चन है ना, राज्य उसकी राजधानी का उस समय नाम क्या था? अब नाम क्या था सोचिए, नॉर्मल अगर पूछ देता कि अशोक सम्राट जो है कहाँ का शासक था, क्वेश्चन बनता कि नहीं, पाटलिपुत्र सब इजी से दे देते दे। लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसी क्वेश्चन को जानबूझ के घुमाता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक, स्नातक मतलब यूजी ग्रेजुएशन वाले अंडर ग्रेजुएशन का पूछ रहा है, स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, किस राज्य से संबंधित है? 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रथम इंजीनियर हैं, कौन? तो बिहार से, बिहार से कौन भाई, नीतीश जी इंजीनियर है ना, उन्हीं से। अब तो कितने बार हो गए बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, 3 की 4 या 5 बार बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि कभी कभी हटे हैं आए हैं, हटे हैं आए हैं, ऐसे भी उनका अपना नीतीश जी का बना रहा है, तो आप समझ सकते हैं है कि नहीं। तो क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया, क्या घुमाया, इंजीनियर स्नातक जो 2 बार मुख्यमंत्री बन जो है मुख्यमंत्री रहे हैं, मतलब 2011 के हिसाब से 2 ही बार ना, अगर आप वर्तमान में पूछेगा तो कितने बार बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो ठीक है। तो क्वेश्चन को ऐसे घुमाता है, इसलिए आज थोड़ा सा मैं बकवास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं सिर्फ पढ़ लेते हैं, नोटिस किया कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कि कहाँ कैसे क्वेश्चन घुमा रहा है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर घुमाए तो उसी टॉपिक से हमें पकड़ लें। जैसे देखिए, उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए, अब देखिए उस राज्य का नाम बताइए, अब अगर पूछ देता कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो आप क्या बताते, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से ही थे, है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आप इजी से जवाब देंगे, लेकिन किसी किसी को घुमा देता है, इस चीज को क्या करता है कि उस राज्य का नाम बताइए, उस राज्य का नाम बताइए जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए, तो कहाँ से चुने गए, बिहार से, है ना। अभी तो आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम पेपर में जैसे पेपर सामने आता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, सिखों के 10वें गुरु, अब देखिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, सिखों के 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ? तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पूछ दिया है, जन्म कहाँ बताइएगा, पटना में बता दीजिएगा, है ना, तो इसी चीज को घुमा देता, डायरेक्ट पूछेगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ, ये पूछ सकता था ना, लेकिन नहीं घुमाया कि सिख गुरु के जो है 10वें गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह है, कहाँ जन्मे, पटना में जन्मे, है ना, याद रखिए। ऐसे क्वेश्चन को घुमाता है जानबूझ के कि आप कंफ्यूज हो और एग्जाम आपको ना निकले, इसलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर देखिए, कोई भी टीचर होंगे जरूर बोलेंगे कि प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करें। अब इस क्वेश्चन को भी देखिए, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? अब देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे प्रथम राष्ट्रपति रहे, है कि नहीं, बिहार राज्य से संबंधित है, इसी क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया है। अब देखिए, ये पेपर जो हुआ है 2011 में, इसी में ये पेपर पूछा है, और इसी में क्वेश्चन को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सामने आंसर में है, लेकिन लोग को ध्यान नहीं गया होगा, है कि नहीं, क्योंकि उसका जवाब देखे निकल गए होंगे, नहीं तो जवाब दिए होंगे तो सोच रहे होंगे कि अच्छा नेक्स्ट में, तो अगर ध्यान दीजिएगा तो भारत जो राष्ट्रपति थे प्रथम थे, जो कि उससे पहले क्या थे, तो अंतरिम सरकार का पूछ रहा है, 1946 के समय की बात हो रही है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन को घुमाता है, इस चीज को बार बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा।
और इस चीज को फॉलो कीजिए, आपका नहीं निकलता रिजल्ट तो आके मेरे कमेंट बॉक्स में बोल के देखिएगा, 100% निकलेगा, ये मैं वादा कर सकता हूँ, आपसे स्पेशली कांटेक्ट कर सकता हूँ मैं। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर होता था, ठीक है, लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? सोचिए, कार्बन कर मतलब कार्बन टैक्स जो है विश्व का पहला देश बन गया है टैक्स लगाने वाला, कौन था प्रस्ताव मतलब लाया था? तो न्यूजीलैंड। इस चीज में न्यूजीलैंड आगे रहा है, ये चीज को ध्यान रखिएगा, कौन? न्यूजीलैंड। क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हैं आप, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि इसी चीज को घुमा देता, विश्व का पहला देश कौन सा है जो कि कार्बन टैक्स लगाया है, प्रस्ताव पारित किया है? तो न्यूजीलैंड। सोचिए, लेकिन इतना क्वेश्चन क्यों घुमाया? क्योंकि आप उसी पढ़ने में कंफ्यूज रह जाइए और आंसर आपका गड़बड़ हो जाए क्वेश्चन, क्योंकि उसके सामने तो न्यूजीलैंड नहीं रहेगा, चार ऑप्शन और रहेंगे, न्यूजीलैंड और तीन ऑप्शन और रहेगा, तो आपको उसी में से चुनना रहता है, इसलिए कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और उस समय का 2011 के हिसाब से ये स्टैटिक जीके में आता है, करंट अफेयर में आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप जो है क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं और इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? अब देखिए, 2005 की बात हो रही है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भी है, कब भाई? तो 2005 के हिसाब से ये बना मतलब बात कर रहा है, ने उल्लेखनीय उन्नति की है, मतलब कौन किया है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र किया है। तो क्या किया है 2005 में, क्यों आया है चर्चा में, तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट ब्रिगेड ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, ठीक है, के यूरेनियम प्लूटेनियम मिश्रित कार्बाइड जो होता है ईंधन का पुनः या पुनर कर सकते हैं संसाधनीकरण बनाता, इसलिए ये चर्चा में रहा है। अब इतना बड़ा तो ऑप्शन देगा नहीं, अगर मान लीजिए दिया है उस समय, अब तो देगा नहीं अगर, तो याद रखिए फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम और प्लूटेनियम मिश्रित है, याद रखिएगा, कार्बाइड ईंधन का, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, आंसर आपका मिल जाएगा। क्वेश्चन आप है, देखिए अब इस सवाल को आप बहुत अच्छे से दीजिएगा कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन था, मतलब इच्छा मृत्यु भी अगर है तो एक कानूनी है, याद रखिएगा, कानून के द्वारा सरकार के द्वारा है, देने वाला पहला देश कौन है? नीदरलैंड है, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले की बात हो रही है, यही चीज पूछता कि इच्छा मृत्यु जो है, इच्छा मृत्यु का जो कानून बना है पहला देश कौन सा है, तो आप नीदरलैंड लगाते, तो सिंपल लैंग्वेज में देगा तो आप तो पकड़ लीजिएगा, इसलिए कंफ्यूजन के लिए क्या करता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को क्या किया है, इच्छा मृत्यु को कानून रूप देने वाला देश का पहला देश का कौन है? तो नीदरलैंड। क्वेश्चन को ही ऐसे घुमाया है, डायरेक्ट पूछ देगा तो आप आंसर दे देते कि पहला देश कौन है जो कि इच्छा मृत्यु की जो है कानून बनाया है, तो आप नीदरलैंड लगा देते। आगे सवाल है, कौन सा आयोग जो है, देखिए कौन सा आयोग है जो सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? अब इस क्वेश्चन को आप पढ़े होंगे तो इसमें तो आधा कंफ्यूजन, आधा पढ़े आधा गायब हो गया होगा, है कि नहीं, लेकिन सिंपल आंसर क्या था, चुनाव आयोग। क्यों भाई? चुनाव आयोग जो ऐसा है, जो कि सर्वप्रथम चुनाव आयोग जो था, भारत के संविधान के किसी भी धारा या किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान को क्या है, अनुपालन में स्थापित कर सकता है, यही चुनाव आयोग का बारे में बता रहा था, सर्वप्रथम बात हो रही थी, देख रहे थे इसी क्वेश्चन को। फिर देखिए इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक गांठ, ठीक है, वार्षिक गांठ का ये वार्षिक बैठक, बैठक ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको लगाएगा, तो विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल, ठीक है, दबोश बोलते हैं, कहाँ पर स्थित है? अब दबोश तो हमको जगह याद है नहीं, अब इस ऑप्शन के हिसाब से हमको लगाना है, क्या लगाएगा, स्विट्जरलैंड लगाएगा। इसमें क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, विश्व आर्थिक फोरम से संबंधित है क्वेश्चन बना है, ठीक है, उस समय के हिसाब से बना होगा, 2011 के हिसाब से ये क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के रूप में बना होगा कि वार्षिक बैठक है, वार्षिक बैठक हुआ था, वार्षिक बैठक का स्थल है, मतलब जगह है, कौन सा ऐसा जगह पे है कि वार्षिक बैठक हुआ था जिसका नाम दबोश है, जो कि कहाँ पड़ता है, तो ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, अपने आप आ जाएगा आपको। अब जैसे ओलंपिक खेल, खेल के बारे में कौन नहीं जानता है, कुछ कुछ लोग जो है नहीं जानेंगे, लेकिन खेल से तो कनेक्ट है ना, क्रिकेट से पूछेगा तो थोड़ी गड़बड़ होगी, लेकिन खेल से जुड़ा हुआ प्रश्न बनता ही, ये भी है। अब यहाँ ओलंपिक से है, तो ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बाल जो है खेल के लिए बाल वर्कर कप प्रदान किया जाता है? तो बाल वर्कर, देखिए वार वारकर, बाल वारकर नाम ही है, ठीक है, वा व लगा हुआ है और वारकर है,
कप जो है, कप है याद रखिएगा, प्रदान किया जाता है। तो ओलंपिक खेल में जो ऐसा कौन सा खेल है जिसमें हमको वार्कर कप दिया जाता है, तो मुक्केबाजी के संबंधित ये क्वेश्चन बना हुआ था, तो मुक्केबाजी से है कि नहीं? ठीक है, अब देखिए प्राचीन क्वेश्चन। अब प्राचीन क्वेश्चन कहाँ से आएगा, फिर उसी से संबंधित है। प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच में स्थित है? अब देखिए तक्षशिला की बात करें तो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में ही पड़ेगा तक्षशिला, है कि नहीं? ये चाणक्य से संबंधित है, आप भी जानते हैं तक्षशिला की बात करते हैं। तो वर्तमान में कहाँ है, तो सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में है, मतलब बीच में स्थित है। सिंधु और झेलम नदी बीच में बसती है, उसी जगह ये तक्षशिला बसा हुआ था प्राचीन समय में, याद रखिएगा। तो नदी के बारे में पूछता है कि सिंधु और झेलम के नदी है कहाँ, तो उसके बीच में क्या बसा हुआ है, तो तक्षशिला बसा हुआ है। तक्षशिला किससे संबंधित है, चाणक्य से संबंधित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय है, था प्राचीन समय में याद रखिएगा, और ये अभी वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में, यही क्वेश्चन को घुमाता है, इस चीज को ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार में, बिहार के कहाँ है, तो राजगीर में है, मतलब नालंदा खुद बना हुआ है, नालंदा में है। ठीक है, तो ऐसे अपने आप से मार्ग अगर पूछेगा तो राजगीर तरफ जाइए, नालंदा उधर है, उधर रहिए, उधर बसिए आप। ठीक है, जो कर रहा हूँ, चलिए। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। न्यूनतम साक्षरता वाले बात अगर करें तो बिहार है, और अधिकतम वाले तो केरल तो है ही, आप जानते हैं केरल इस मामले में आगे चलता है, महिला हो पुरुष हो उस समय सब शिक्षित आगे चलते हैं। कौन सा विद्रोह जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ, तो सन्यासी विद्रोह। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आप 2011 का प्रीवियस ईयर में देख रहे होंगे, या आप अगर मेरा एडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट जो प्रथम मैंने दिया है, पहला दिया है, उसमें अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन पूछा था। पूछा कैसे था, पूछा था सन्यासी विद्रोह किससे संबंधित है, तो सोचिए सन्यासी विद्रोह किससे था, आनंद मठ से ही संबंधित था, यही क्वेश्चन को घुमाया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, इसमें चार क्वेश्चन बन सकता है, कैसे? आनंद मठ किसका उपन्यास है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का। ठीक है, आनंद मठ जो है किसके कौन से विद्रोह से संबंधित है भाई, तो सन्यासी विद्रोह से संबंधित है, और सन्यासी विद्रोह जो है आनंद मठ से संबंधित है, ऐसे कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए कोलंबो, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है, तो कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है, सो स्वामी विवेकानंद के जो है व्याख्यानों पर आधारित है। तो कोलंबो से अल्मोड़ा तक की बात अगर करें, वहां की व्याख्या जो है, अनुभव जो है किस पे है, स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। अब इस सवाल का पूछता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष पूछ रहा है, अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जैसे वैज्ञानिक हो औद्योगिक हो इस मामले में तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम जी होंगे, याद रखिएगा। आगे सवाल है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है, तो खड़ग खड़गवासला, खड़गवासला नाम है, याद रखिए जगह का, वहीं पे है, उसी जगह माना जाता है। तो क्या है भाई, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहा जाता है, ठीक है, खड़क भाषा को। आगे चलेंगे 1857, अब देखिए 1857 हिस्ट्री से संबंधित है, ये क्रांति फेमस है, तो एक क्वेश्चन तो पुट होगा ही, बिहार एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। तो 1857 की क्रांति में किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, 1857 का हम डिटेल के साथ से ऑब्जेक्टिव से लेके वन लाइनर तक सारा करवाने वाला हूँ, आप बस सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत ही खान सर का प्रैक्टिस सेट है, डायरेक्ट मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया था तथा मार दिया गया, तो याद किया तात्या टोपे द्वारा कर दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में बताना भूल गया, 1857 की क्रांति हुआ था। ठीक है, किस एक मित्र द्वारा धोखा मिला था, अब धोखा तो दे दिया गया, इस समय धोखा बहुत होता था, अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे रहा है, तो उस समय होता था, तो उस समय ब्रिटिश द्वारा पकड़े गए थे, कौन, तात्या टोप, धोखा मिल गया, दोस्त धोखा दे दिया, ब्रिटिश को बता दिए, इन्हें पकड़ लिया गया, मार दिया गया, तो 1857 के जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन रहेगा, चार ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको एक छाटना रहेगा, ध्यान रखिएगा, जो कि 1857 से तीन आदमी नहीं होंगे और तीन आदमी जुड़े होंगे, मतलब तीन आदमी में से एक आदमी को आपको जोड़ना है कि 1857 से जुड़े हुए। चलिएगा 1929 की बात करते हैं, 1929 में तो बहुत ज्यादा है। आगे सबसे पहली बात बता दूं कि 1929 जो है ना जवाहरलाल नेहरू के लिए बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि उसी समय बहुत सारे डिमांड ये कर दिए थे, उस समय ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, समझिए 1929। ठीक है, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ज्यादातर सही होते हैं 1929 में, कैसे, चलिए देख लेते हैं।
लेकिन 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। अब देखिए 1929, तो सबसे पहली बात कि अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे भाई 1929 के, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहाँ बने थे, तो लाहौर अधिवेशन में बने थे। तो 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे, और उस समय जो है पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित करने वाले जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय पूर्व स्वतंत्रता घोषित कर दिए थे, मतलब स्वतंत्रता की बात कर दिए थे, याद रखिएगा, इसलिए जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। राजनीति मतलब राज्य के नीति निर्देशक से सवाल बनने वाला है, ध्यान से पढ़िएगा। राजनीति का कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? अब देखिए सवाल, देखिए कैसे, पंचायत से भी मैंने बोला था ना, नेक्स्ट वीडियो में मैंने बोला था कि पंचायत से सवाल जरूर पूछेगा, कैसे भी पूछे, ठीक है। तो हम जो पंचायत का वीडियो बनाए हैं वो आप देख सकते हैं, नहीं देखे हैं तो फिर से बना दूंगा, लेकिन आप इस चीज को भूलें मत कि पंचायत से क्वेश्चन पूछेगा, 1857 से क्वेश्चन पूछेगा, आपका प्राचीन भारत से जरूर एक क्वेश्चन पूछेगा, आपको ज्योग्राफी से पूछेगा, ज्योग्राफी से कौन 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 से टॉपिक से ज्यादा पूछता है वो भी मैं बता दूंगा। बस आप बने रहें, सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। तो यहाँ पे देखिए पंचायत से आप हर, अगर प्रीवियस ईयर इस क्वेश्चन को देख रहे हैं ना, पंचायत से एक सवाल ना तो एक सवाल बनता है, यहाँ से एक से दो बन जाएगा, ये निश्चित है। तो कैसे, तो राजनीति का कौन सा जो है एक दिशा निर्देशक सिद्धांत जो है महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो ग्राम पंचायत की स्थापना से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी का कहने का मतलब है कि ग्राम में भी कुछ होने चाहिए, प्रशासन बननी चाहिए, ग्राम पंचायत होनी चाहिए, तो वही उन्हीं के निर्देश पर हुआ था, और ये भी राजनीति निर्देशक के तहत जोड़ा जाता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। उसकी बातें अलग करेंगे बाद में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है, तो याद रखिए काशा युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। देखिए हड़प्पा से भी भूलिएगा मत, हड़प्पा से भी ये क्वेश्चन पूछेगा, ये भी ध्यान रखना है। तो हड़प्पा से आगे चलेंगे, भारत तथा प्राचीन के बीच सीमा बनने वाली रेखा कौन सी है, तो मैकमोहन रेखा है। आप जानते हैं भारत और चीन के बीच कौन सा बनेगा, मैकमोहन रेखा बनेगा, और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा बनेगा, बताइएगा, जरूर बताइएगा, मैटक्लिफ जिस जो करवाया था उसके नाम पर बन गया था। लेकिन अगर मान लीजिए भारत अफगानिस्तान के जगह पे, भारत अफगानिस्तान का था ना डुरंड रेखा, अब हो गया भारत और पाकिस्तान का बीच के रेखा डुरंड रेखा, ठीक है। आगे चलते हैं, किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? देखिए हमारे भारत से तो कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। अब भाई देश की बात हो रही है, तो कौन सा ऐसा देश है, कौन कौन सा देश है जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो अब तो देश के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कोलंबिया से भूमध्य रेखा गुजरती है, बीच वाला है ना भूमध्य रेखा, याद रखिएगा। केन्या से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, और भी है जो कि आपको आगे बता दिया जाएगा। तो याद रखिएगा किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो कोलंबो या केन्या इंडोनेशिया से गुजरती है, ये ध्यान रखना है, चलेगा। आगे चलेंगे, आगे सवाल है, चीन तीर्थयात्री हेंगशांग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया, बताइएगा। चीन तीर्थयात्री हेंगशांग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। जैसे ही हेंगशांग की बात होगी, हेंगशांग कहाँ से जुड़ा हुआ है भाई, चीन, चीन से जुड़ा हुआ, चीन का तीर्थयात्री था। हेंगसांग किसके शासनकाल में आया, तो हेंगसांग हर्षवर्धन, हर्ष से हर्षवर्धन, हर्ष से हेंगसांग, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। ये भी यात्री से क्वेश्चन पूछेगा, ये निश्चित है, आप लिख के ले लें। पूर्व पूर्ण क्रांति की बात करते हैं, पूर्ण क्रांति की बात होगी ना, पूर्ण क्रांति का आवाहन कहिए, आवाहन कहिए, जो कहिए, किनके द्वारा किया गया था, मतलब पूर्ण क्रांति का घोषणा कर दिया गया था, आंदोलन कर दिया गया था, आवाहन कर दिया गया था, किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा, बस इतना ही ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, नारा से एक क्वेश्चन तो बनता है, एक आंदोलन से पूछेगा, वो मैं वीडियो बना रहा हूँ। विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है, पुस्तक से भी बन रहा है, अब पुस्तक से मैंने बहुत बार पढ़ा है और भी पढ़ा दूंगा, जो कि महामैराथन के रूप में पढ़ाऊंगा, बस आप साथ रहें। विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है, APJ अब्दुल कलाम है, बस इतना ध्यान रखना है। आगे सवाल है कि भागड़ा नागल बोला जाता है, भागड़ा नागल बांध कहाँ स्थित है, तो सतलज नदी के तट पर स्थित है। तो भागड़ नागल जो है बांध जो है कहाँ स्थित है, सतलज नदी के तट पर स्थित है, बताइएगा। ये वर्तमान में कहाँ है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, या प्रीवियस ईयर में इसी बुक में मैं करवा चुका हूँ, तो प्लीज बताएंगे। आगे चलेंगे, कलहन द्वारा रचित रज तरंगनी, देखिए ये क्वेश्चन मैंने, अगर मेरा एडिटेरिया का दे रहे होंगे, क्रोन का प्रैक्टिस दे रहे, उसमें 100% ये क्वेश्चन फूट रहता है, याद रखिएगा। तो कलहन द्वारा रचित रंगनी जो है हमारा, याद रखिए, कश्मीर का इतिहास बताता है, याद रखेंगे। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, याद रखेगा, राजा राम मोहन राय का नाम आता है।
चलिएगा, आगे सवाल आपका आपका बनता है मैगनी नॉट, मैगी नॉट बोलते हैं, मैगी नॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है, याद रखिएगा। तो मैगी नॉट अगर पूछे रेखा जो है किन देशों के मध्य स्थित है, तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो चीन में है, याद रखेंगे, चीन में, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि भारतीय संविधान, एक मिनट थोड़े से चलेगा, भारतीय संविधान की बात करते हैं, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया, मतलब लागू करने की बात हो रही थी, लागू नहीं किया, ठीक है, इस तरह से। तो 22 जुलाई 1947 को हुआ था, अंगीकृत हुआ, आप जानते हैं, भारतीय संविधान सभा के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकृत अंगी अंगीकार किया, तो याद किया 22 जुलाई 1947 को। मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं करूंगा, जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसा ही अपलोड करता हूँ वीडियो, आप जानते हैं, अब नो चेंज करता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि वास्तविकता में आप खुद सीखें, आप खुद समझें कि कैसे तैयारी करें। आगे चलेंगे, इसे थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ। आगे सवाल है कि भारतीय राष्ट्र गान पहली बार कब गाया गया, ये सवाल बनता है। तो भारतीय राष्ट्रगान जो है ना पहली बार कब गाया गया, ये सवाल बहुत बार पूछता है और अलग अलग तरीके से पूछता है। तो पहली बार की बात करेंगे ना, तो 1911 को याद करिएगा, ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब हुआ था ना उस समय का बात हो रही है, ठीक है, 1911 का, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन माने जाते हैं? अब देखिए श्वेत क्रांति, अब क्रांति पे भी एक क्वेश्चन पूछता है, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, तो इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप भी अपने ओर से ध्यान रखिएगा। तो श्वेत क्रांति की बात करें, जनक की बात करें, तो डॉक्टर बी कुलकर्णी को कहते हैं। देखिए ऑफलाइन में क्या होता है कि सामने रहते हैं, सबको बताना आसान होता है, लेकिन आप ऑनलाइन में हैं तो आपको क्या करना होगा कि जो क्रांति जैसे हुआ, तो आपको उस क्रांति को आपको अपने आप देखना होगा। जब मैं मॉक टेस्ट कराऊँ तो आपको आसानी से हो जाए, अब मॉक टेस्ट तो करवाता ही हूँ रात को 10 बजे हमेशा, अब 5 बजे हमेशा झारखंड जीके चलता है, 15 क्वेश्चन आपके सामने है, 1 से 2 दिन थोड़े से लेट हो जा रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा बिजी हूँ, नहीं तो कंटिन्यू रहता है 5 बजे, और 4 बजे आपका रहेगा बिहार जीके, 15 क्वेश्चन हमेशा कंटिन्यू रहेंगे सभी क्वेश्चन में। अब फास्ट चलता है, इजी टू हार्ड चल रहा है, ये मत कहिएगा कि सर बहुत इजी क्वेश्चन करवा दें, इजी टू हार्ड है, इजी होते होते हार्ड चलेगा क्वेश्चन, झारखंड जीके हो या बिहार जीके दोनों चल रहा है। तो प्लीज ये चीज को ना समझे कि सर इतना हल्का तो क्वेश्चन आएगा, हल्का नहीं आएगा, मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, इजी टू हार्ड कर रहा हूँ, जिससे कि आप जब मन करे जैसे चाहे प्रैक्टिस सेट देकर तैयार रहें, हो सकता है इजी कभी पूछ दे, अब पूछता ही है, जो कि हमको बाद में पता चलता है घर आने पर, अरे इजी था यार कैसे चुक गए, है कि नहीं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो राष्ट्रीय फल आप सोचिए आम है, मैंगो है, आप अभी खा रहे होंगे सीजन में, है ना, चलिए आगे चलते हैं, ये सब देखिए इजी पूछ दिया कि नहीं। अब राष्ट्रीय फल किसको नहीं पता होगा, आम होगा, लेकिन आप ध्यान नहीं देगा तो उसको तो भूल जाएगा, अरे यार राष्ट्रीय फल तो बहुत कुछ हो सकता है, तो इस चीज को आपको नोट करना है कि कुछ भी पूछ सकता है, उसका कोई आगे पीछे नहीं है, चलेगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? अब हरित क्रांति से क्वेश्चन अगर मेरा एडिट एरिया का मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, या 2011 का प्रीवियस ईयर का जो मैंने वीडियो डाला था, नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो बोल रहा हूँ, पिछले जो कि भाग वन डाला था पार्ट वन, उसमें ये क्वेश्चन दोबारा पूछा था लेकिन अलग ढंग से पूछा था, और अगर मेरा मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो लास्ट क्वेश्चन जो है हरित क्रांति से ही था, आप देख सकते हैं ड्यूटेरिया का पहला पूछा था कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अगर देखे होंगे। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? M.S. स्वामीनाथन को। और उसमें क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि हरित क्रांति के बारे में कुछ बताएं, उसके उद्देश्य क्या थे, कौन से उद्देश्य सत्य थे, कौन से उद्देश्य जो है असत्य थे, इस तरह से क्वेश्चन बना था, और इसमें डायरेक्ट पूछा कि हरित क्रांति के जनक है। तो सोचिए क्वेश्चन जो भी बनाया जा रहा है, ड्यूटेरिया का बनाया जाए, कांसर का बनाया जाए, या कोई भी स्पार्क हो, प्लेटफॉर्म हो, जो भी है, सारा प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन को बनाते हैं, तोड़ मड़ोड़ के बनाते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ हरित क्रांति जनक है, वहाँ उद्देश्य पूछ दिया, 1857 की क्रांति कब हुई, ये पूछने की जगह पे पूछ देता 1857 का तत्कालीन कारण क्या है, यही सब क्वेश्चन को घुमाता है। अगर उसकी जानकारी है तो आपको कोई मजाल नहीं कि आपको फेल कर दे और आपका रिजल्ट ना हो, इसलिए मैं जो भी कंटेंट दे रहा हूँ आप देख के खुद नॉलेजबल है, समझ सकते हैं। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ है, कौन सा है, तो इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी, देखिए अब टेनिस खिलाड़ी से फिर आ गया इसी में, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। अब सोचिए हॉलीवुड से भी जुड़ गए, टेनिस खिलाड़ी भी, सोचिए अशोक मतलब फिल्म निर्माण है, निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़ गए, सोचिए हॉलीवुड से जुड़े हुए, नहीं कि बॉलीवुड से, कौन है? अशोक अमृत राज है, बस खत्म बात, ठीक है, अशोक अमृत राज है। आगे चलेंगे, लव लव
शब्द किस खेल से संबंधित है? अब देखिए, खेल से संबंधित पूछता ही है, क्रिकेट का तो बहुत सारा पूछता, फुटबॉल का भी पूछता है ना, तो इस सब चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो करवा ही रहा हूँ, लेकिन आप भी खुद ध्यान रखेंगे 100% रिजल्ट होगा, ये मैं वादा कर सकता हूँ, बस जो कंटेंट बता रहा हूँ वो करिएगा। तो अब इससे भी एक क्वेश्चन तो खेलते पूछेगा, लेकिन कहाँ से पूछेगा कैसे पूछेगा ये नहीं बता रहा था, वो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ, उस कंटेंट को उस आधार पर आप बुक को पढ़ लेंगे। ठीक है, लव शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। अब चलिए, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? अब देखिए, वृंदावन गार्डन अगर करें तो मैसूर में है, मैसूर कहाँ है कमेंट बॉक्स में कीजिए तो वर्तमान में, क्योंकि मैंने इसे भी मॉक टेस्ट में नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, नेक्स्ट वीडियो में बोल रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट लाने वाला नहीं, नेक्स्ट मतलब हो चुका है, जो पीछे वाली बात करते हैं, स्टडी की बात करते हैं, ठीक है, उसमें क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आगे चलेंगे, उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम जनसंख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने थे। अब उस राज्य का नाम बताइए जहां अधिकतम रूप से, सोचिए ये भी क्वेश्चन कैसे गजब बना है, कि संख्या के केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं, तो बिहार के बने हैं, सोचिए बिहार में इस सब मामले में आ गए हैं, मुख्यमंत्री पलट जाना आ जाना ये सब भी काम लगा हुआ है, इस तरह से बहुत सारे हैं, तो इस समझिए अधिकतम संख्या अगर पूछ देना तो याद रखिए बिहार के हैं, कोई शक तो नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं, कौन सा वर्ड फ्लू जो है वायरस, वर्ड फ्लू वायरस, सोचिए बर्ड फ्लू मतलब चिड़िया वाली बात हो रही है, फ्लू वायरस है, जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, तो एवियन फ्लू वायरस कहा जाता है उसे, किसे कहते हैं, तो H5N1 को, H5 है, N1 को कहते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन से भी पूछता है, एक 25 से पूछेगा, तो ये तो 25 से जरूरी नहीं, ये अचानक पूछ देता है, इसके जगह पे वायरस जरूर पूछेगा, कि वायरस से बैक्टीरिया से क्वेश्चन पूछता है BRSSC, आप पलट के देख लीजिए कितना भी मॉक टेस्ट है जो मैं पढ़ा है उसी में देख लीजिए, मैं थोड़ी बना रहा हूँ सब बुक, जो खान सर का है, एडिटोरिया का, प्लेटफॉर्म का, जो भी क्वेश्चन मैं तो अपने मन से तो थोड़ी बनाता हूँ, वो जो बुक पढ़ाता है उसी से, उसी में क्वेश्चन भी मिलेगा। देखिए, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? अब देखिए, मोबाइल में सिम कार्ड, मोबाइल का सिम कार्ड, सिम का मतलब क्या है? तो साइबर सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर बोल दीजिए, आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है, सब्सक्राइबर का मतलब हो गया, सिम का मतलब हो गया कि सब्सक्राइबर, आइडेंटिटी और मॉड्यूल हो जाता है, याद रखिएगा मैंने मॉड्यूल। चलिए, कौन सा भारी पिंड जो है रात्रि या शाम समय, जो शाम का समय होता है ना, शाम शाम का काल में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा चमकने वाला कौन है, सूर्य है, क्योंकि चमकता हुआ तारा इसे कहा जाता है, शुक्र को आप जानते हैं चमकता है, ये जुड़वा बहन भी कहलाता है, किसका भाई, तो पृथ्वी का, याद रखिएगा, है ना। चलेंगे इसी सवाल से अब दो तीन चीज, देखिए सौर मंडल से लोग पढ़ते नहीं है, बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत ईजी है, छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, और एक चीज बता दूं, आज जो मैं ज्यादा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों का मैंने देखा कि एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हैं ऑनलाइनर, लेकिन मैंने ऑफलाइन में भी, मेरा जो स्टूडेंट जुड़े हुए वो बता रहे थे कि सर मैं तो पढ़ता हूँ, आप जो पढ़ाते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है उसका अनुमान नहीं बताते, तो हम आज से वही शुरू किए हैं कि जो जो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो जो क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बताने के लिए बोला गया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो इस चीज़ के ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जैसे सौरमंडल है, तो सौरमंडल को इग्नोर मत कीजिए, सौरमंडल को पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मेरा वीडियो देख लीजिए या किसी का वीडियो देख लीजिए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जरूर देख लें, क्योंकि क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन बनता है BRSSC में, आप क्वेश्चन पलट के देख लीजिए, आपको अगर विश्वास नहीं होता तो आप देख लीजिए, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाता हूँ अगर प्रीवियस ईयर पढ़ाता हूँ उसके बाद ही नया जो है हथियार का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम पढ़ाते हैं तो हम क्या पढ़ाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाते हैं, हथियार का मतलब ये नहीं कि मार्कट वाले, हथियार का मतलब है कि तरीका, ठीक है, तरीके को चेंज करता हूँ, तो आगे तो प्रीवियस ईयर को धरिए, उसके बाद अपना करेंट अफेयर जो है वो पकड़े रहिए, बस इतना ही करना रहता, और उसके बाद मॉक टेस्ट जितना मॉक टेस्ट हो देते रहिए, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट के लिए जाना जाता हूँ, आप जा मतलब पढ़ सकते हैं। चलिएगा, समुद्रीय शीतल पवन किस तरफ बहती है? तो समुद्रीय शीतल पवन जो है किस तरफ बहती है, दिन में भूमि से समुद्र की ओर बहती है, याद रखिएगा, दिन में जो है ना भूमि से समुद्र की ओर बढ़ती है, याद रखिएगा, शीतल पवन। आगे चलेंगे, यदि एक पंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी क्या होगी? तो सुस्त होगी, ये भी ध्यान रखना है। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी के परिणाम की कोटि समान होती है।
ये क्वेश्चन को आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में हम जब साइंस पढ़ाएंगे ना तो उसमें हम कर देंगे, और साइंस का जल्द लाने वाला हूँ मॉक टेस्ट और वन लाइनर, तो आप प्लीज सब्सक्राइब लाइक करेंगे और ध्यान देंगे। आगे चलेंगे, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद अगर पूछे तो कार्बोहाइड्रेट को बताइएगा। अब फास्ट चलते हैं थोड़ा, ठीक है, बहुत लेक्चर हो गए। जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच से होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त प्रभावित होता है, याद रखिएगा, तरंग दैर्ध्य होता है, आवृत होता है, आवेग सब जो है प्रभावित होते हैं, याद रखिएगा। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा। देखिए साइंस में भी क्वेश्चन को फिक्स है, आप जानते हैं साइंस तो फिक्स है, प्रकाश से पूछेगा, ध्वनि से पूछेगा, लेंस से पूछेगा, इस तरह से फिजिक्स से पूछेगा, बायोलॉजी से आप जानते हैं कोशिका है आपका, और भी पादप है, पादप जंतु है, जंतु जगत है, ये सब चीज से सवाल तो बनता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मानव शरीर से तो पक्का बनता है क्योंकि जंतु जगत से ही। आगे चलेंगे, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लेकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य है, सो सेंटिंग की दर को त्वरित करना ही होता है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो मीथेन है, याद रखेंगे। आगे सवाल बनता है कि पौधे में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, तो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम याद रखेंगे। आगे चलेंगे, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फॉरेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है क्या होता है, तो 40 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखेंगे। आगे सवाल है, कौन सा पदार्थ जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, तो भारी जल में करता है, ये भी ध्यान रखना है। आगे सवाल बनता है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है, तो एम्फेसेमा है, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि इंसुलिन किससे उत्पादित होता है, तो पेनक्रियास अग्नाशय से होता है, ये भी ध्यान रखना है। आगे चलेंगे, मनुष्य के शरीर में प्रमुख पैरों की हड्डी कौन सी होती है, तो फ्यूबा और टिबिया होता है, याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो नाइट जो है फ्लाइन डेनिश होता है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, वायु का वेग किससे संबंधित है, वायु का वेग जो है दाब और प्रवणता से संबंधित है। आगे चलेंगे, मानव शरीर का रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है, तो अरिवृक्क ग्रंथि से होता है, अरिवृक्क ग्रंथि आप जानते हैं वृक्क मतलब होता है किडनी, गुर्दा से संबंधित है, याद रखिएगा। कंप्यूटर में वायरस किसके किससे संबंधित है, प्रोग्राम से संबंधित है, वायरस, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है आपका, धातु सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक क्यों होता है, इसमें शिथिल बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचुर जो है गैस होते हैं, तो नाइट्रोजन होता है, बस इतना ध्यान रखना है। अब चलिए, इसमें जो है बच गया था थोड़ा सा, 2011 में जो मैंने जो पहला पार्ट करवाया था उसमें बच गया था, उसको हम पढ़ा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इससे क्वेश्चन देखिए, इसमें भी पंचायत से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, बिहार के उद्देश्यों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है, तो पटना में है। बिहार में यद्यपि जमींदारी संबंधी रूप से 1952 में हटा दिए गई थी, 1952 में हटा दिया गया था, मतलब 1952 में हटा दिया गया था, तापीय भू नियंत्रण का सामाजिक आधार किनके हाथों में रह गया, तो याद रखिए प्रधान जाति के हिंदू में रह गए थे, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ऐसा अब नहीं पूछेगा। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था, तो श्री दीप नारायण सिंह के कृपा से हुआ था, याद रखिएगा, ऐसे याद कर सकते हैं। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है, हजारीबाग में हुआ था। हजारीबाग कहाँ चला गया, झारखंड में, बिहार में नहीं है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी का संपादक कौन है, बताइएगा, बाबू महेश प्रसाद, महेश्वर प्रसाद नाम है इनका, महेश्वर प्रसाद जी हैं, बिहारी का संपादक हैं, कौन है, तो एक समाचार पत्र है बिहारी, जो कि बाबू महेश्वर प्रसाद ने लाए थे या लॉन्च किए थे। आगे चलेंगे, राजकुमार शुक्ल किस गांव से के निवासी थे, तो याद किया, राजकुमार शुक्ल क्यों फेमस हुए, क्योंकि ये महात्मा गांधी को निमंत्रण दिए थे कि आइए सर जी, बिहार में बहुत ही दिक्कत हो रही है, चंपारण सत्याग्रह करने के लिए आ जाइए प्लीज, ठीक है। तो कहाँ से है, मुरली भर हवा के जो है जगह से है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कहाँ से स्थित हैं, तो देखिए दास ये भी तो बिहारी से संबंधित है, इनको कह सकते हैं बिहार झारखंड का पड़ोसी कह सकते हैं, ठीक है, पुरुलिया से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है, उस समय के हिसाब से। आगे चलेंगे, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग दिया था, तो बिहार उड़ीसा से त्याग पत्र दे दिए थे लॉर्ड सिन्हा, क्योंकि इन्हें कुछ हुआ था गड़बड़, इसलिए अच्छा नहीं लगा। जूलिया गिलार्ड 2010 ईस्वी, ठीक है, 2010 की बात हो रही है, किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी, तो ऑस्ट्रेलिया का प्रथम प्रधानमंत्री बनी, बस याद रखिएगा।
ठीक है, इस चीज को चलिए इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कौन एक बात बता देता हूँ। इसमें भी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में, हमेशा याद रखिए, बिहार से ये क्वेश्चन था। आगे सवाल देखिए, कुरियल सेवा, कुरियल जो सेवा होता है, कुरियल वाला जो हम लोग भेजने होने का, से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा आरंभ किया, कब किया था? 1986 में ही। द्रुत बोलते हैं द्रुत डाक, ठीक है। भारतवर्ष के सर्वप्रथम कहिए या प्रथम कहिए, दूरभाषा का प्रभाव जो है प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो याद रखिएगा 1891 से 82 होता है। मतलब कहने दूरभाष का शुरुआत करने का मतलब है कि बिहार में कब हुआ या भारतवर्ष में कब हुआ, यही समझ जाइए। तो 1891 से 82 तक हुआ था, पूरे कहिए भारतवर्ष में, तो बिहार भी जुड़ गया। सीडीपी एनईएस, ठीक है, के पुनर्गठन के लिए 1995 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिनसे ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव हुआ? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ने क्या दिया? त्रिस्तरीय किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। सोचिए इतना बड़ा क्वेश्चन हमको घुमा दिया, हम तो गलत कर देते क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते। हम पकड़े कैसे भाई? त्रिस्तरीय से पकड़े, क्योंकि त्रिस्तरीय सुझाव कौन दिया था? बलवंत राय मेहता। द्वितीय स्तरीय अशोक मेहता, क्योंकि इतना तो हम नहीं पढ़े उनके बारे में, लेकिन हमको पकड़ना था कि आंसर क्या होगा, तो त्रिस्तरीय से हम पकड़ लिए। और ग्रामीण से संबंधित था तो ग्राम पंचायत है, तो हम बलवंत राय में। ऐसे क्वेश्चन को आप पकड़ना सीखिएगा, आपको 100% में वादा कर सकता हूँ रिजल्ट नहीं हो तो आके खूब मुझे सुना के जाइएगा, लेकिन अगर आ जाए तो थैंक यू बोल के जाइएगा, क्योंकि मेरे तरीके को अपना के देखा आज, इसलिए मैंने स्पेशल इसमें तरीका बताया है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं तरीका बता दूंगा, क्योंकि मैंने ऑफलाइन बहुत तरीके बताए हैं और रिजल्ट भी दिया हूँ। ये चैलेंज ठोक कर मैं कर सकता हूँ, जल्द ही रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद मैं और भी आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितने लोगों को रिजल्ट दिखाया। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर आरा के राजा थे, याद रखिएगा। डेरियुंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। कौन सा दिन जो है डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 नवंबर को दिवस के रूप में मैंने स्पेशल एनसीईआरटी का वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा। कहियारा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः इसकी स्थिति क्या है? तो 300 पूर्व देशांतर पे है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय का मुख्यालय हेग में। अटलांटिक के भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो भारतीय है, याद रखिएगा, भारतीय ही नाम रखा गया है। पहला तो आप जानते हैं क्या नाम है बताइएगा, गंगोत्री नाम है, कुछ और नाम बताइएगा। ऐसे गंगोत्री ही नाम है, लेकिन दो और हैं जो कि नाम बताना होगा, जिसमें तीसरा का नाम भारतीय है, एक और बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद जय भारत। अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, आज थोड़ा पकाने के लिए सॉरी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप तरीके को समझें, नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन पढ़े या क्वेश्चन पढ़े और ऑप्शन चेंज कर दे, क्वेश्चन चेंज कर दे, अब गलती कर दे और आके आप हमें सुना कि सर आप क्या क्वेश्चन दिए थे, आता नहीं है। क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए, रिजल्ट नहीं हो तो मैं वादा करता हूं कि छोड़ दूंगा, लेकिन 100% बोल रहा हूं तरीका पकड़ लीजिए, उसका बाप रिजल्ट देगा, मैं ये वादा कर सकता हूं। तो जय हिंद।